जेएमएम और कांग्रेस का सरकार ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी यहाँ बता के जाना चाहिए कि सहारा का पैसा फंसा हुआ है, कांग्रेस और जेएमएम सरकार क्यों शुभ है कि कितना आदिवासी लड़का युवा युवाओं को नौकरी मिला कि झारखंड से अभी घुसपैठियों को बाहर निकालना है और हम वही मुद्दा में चुनाव लड़ रहा। हमने आदिवासी समाज के लिए घुसपैठियों को बाहर निकालने का बात किया है, क्या राहुल गांधी ने ये बारे में कुछ बोला? क्या ये राहुल गांधी ने बताया कि अगर घुसपैठियों कोई आदिवासी बेटियों का शादी करेगा तो उनका बेटा बेटियों को आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? क्या इसका बारे में राहुल गांधी ने बताया? भुगनाडी में सिद्धू कानू का जन्मभूमि में कैसे आदिवासियों का संख्या घटे, क्या उसका बारे में राहुल गांधी ने बताया? राहुल गांधी को पूछना चाहिए कि कितना आदिवासी लड़का युवा युवाओं को नौकरी मिला। आज राहुल गांधी यहाँ बता के जाना चाहिए कि सहारा का पैसा फंसा हुआ है, कांग्रेस और जेएमएम सरकार क्यों शुभ है। ये बात उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। अमेरिका में आरक्षण हटाने का बात राहुल गांधी ने क्यों किए थे? जेएमएम और कांग्रेस का सरकार ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये बात राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। एक बात है, उन्होंने कहा कि मोदी का विकास का मतलब जमीन लूटना होता। देखिए, जमीन घुसपैठी किसका लूट रहा है? आज झारखंड में आदिवासियों का जमीन घुसपैठिया लूट रहा है और घुसपैठियों को कौन संरक्षण दे रहा है? एक नंबर हेमंत सोरेन, दो नंबर राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घुसपैठियों को रोकना केंद्र सरकार का काम है। अरे बाबा, घुसपैठियों का रुकना अलग बात है, तुम तो बताओ, अगर मैं घुसपैठी यहाँ आया गया मैं भगाऊंगा, किसका जिम्मेदारी है बाद में होगा। लेकिन एक आदिवासी नेता होने का नाते ये हेमंत सोरेन का जिम्मेदारी है कि नहीं कि झारखंड में एक भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए? उनका कहना है कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर वोट मांगती है। भाजपा हमेशा ही भारत का नाम में वोट मांगते हैं और घुसपैठियों को बाहर निकालने का बात करते हैं। हम धर्म का बात नहीं करता हूँ, हम घुसपैठियों का बात करता हूँ। और घुसपैठियों क्या धर्म का है नहीं है ये आप देखो, हमारा वो देखने का काम नहीं। सर, झारखंड में धर्मांतरण और पशु तस्करी एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारा इतना ही बात है कि झारखंड से अभी घुसपैठियों को बाहर निकालना है और हम वही मुद्दा में चुनाव लड़ रहा हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।